हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये चारू का घर है। मुखिया जी के जाने के बाद तारा अपने बेटे टिंकू के साथ वहाँ आती है। अच्छा हुआ चारू दीदी मुझे बाहर ही मिल गई। जाती हूँ उनके पास, पूछती हूँ, शायद उन्हें कोई काम वाली चाहिए होगी, इससे उन्हें भी मदद हो जाएगी और दीदी से बच्चों के लिए खाना भी मांग लिया करूँगी। अरे आओ आओ तारा, बहुत दिनों बाद दिखी, कहाँ थी इतने दिनों से? अरे वो दीदी, मैं अपने खेतों में व्यस्त थी, खेतों में फसल लगाए थे ना, उनकी देखभाल कर रही थी, पर इस बार फसल बिल्कुल अच्छे नहीं हुए, पता नहीं क्या हो गया है फसलों को, और जंगली जानवर भी आके उनको खा जाते हैं। अच्छा ये तुम्हारा मुन्ना है? बहुत ही प्यारा है। हाँ ये मेरा मुन्ना है। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम टिंकू है। वो दीदी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, मुझे थोड़ी संकोच हो रही है बात करने में, पर बहुत ही जरूरी है। अरे अरे कोई संकोच मत करो, जो भी बात है मुझे आराम से बता सकती हो तुम। दीदी आपको पता ही है मेरी फसल इस बार खराब हो गई है और घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्या आप अपने घर में मुझे काम पे रख लेंगी? थोड़ी बहुत मैं आपकी मदद कर दूंगी और आप मेरी कर देना। हाँ हाँ मैं तो इंतजार कर ही रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। कुछ दिनों में मेरी ननद भी आने वाली है बच्चों के साथ, घर का काम बहुत ही बढ़ जाएगा। क्या आप सही बोल रही हैं, दीदी आने वाली हैं? हाँ हाँ चलिए, सुन के बहुत अच्छा लगा, कितने दिनों बाद मुलाकात होगी उनसे। मैं बाबू को यहाँ सुला देती हूँ खाट पे, बहुत देर से रो रहा है। ये बोल के तारा टिंकू को खाट पे सुला देती है। अच्छा दीदी अब बताइए क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ सारे काम। आज के काम तो मैंने कर लिए हैं, कल सुबह से आना। ठीक है दीदी, और बच्चियाँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही हैं? अरे देखो ना कुहू मुझसे नाराज होके पता नहीं किधर चली गई है। अच्छा हुआ तुम टिंकू को लेके आ गई, उसका भी मन लगा रहेगा। हाँ दीदी टिंकू के साथ तो बहुत खेलेगी। मुन्ने को खाट पे सुलाकर तारा और चारू बातें करने लगते हैं। हाँ दीदी हाँ सही बोल रही हैं आप। और इधर कुहू अपनी मम्मा से रूठकर छत पे अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है। ये झुमकी है और ये मिस्टी है। अले झुमकी तुम्हारे चेहरे पे कुछ लग गया है, हा 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 हा। क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है? क्या मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, बिल्कुल बंदरिया जैसी? हा 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 तुम्हारे चेहरे पे काली काली मिट्टी लग गई है, कोई बात नहीं घर जाके धो लेना, चलो अभी हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। नहीं नहीं मैं अभी घर जा रही हूँ, मुझे कोई देखेगा तो वो डर जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं झुमकी, तुम मेरे साथ नीचे चलो, मैं मम्मा को बोल देती हूँ, बाथरूम में ले जाके तुम्हें मुंह धुला देगी, आ जाओ तुम मेरे साथ नीचे। देखो झुमकी और मिष्टी सीढ़ियों पे संभाल के आना। चलो झुमकी आ जाओ तुम भी मेरे पीछे पीछे। हाँ आ ली हूँ, मेरी तो बाली भी नहीं आई, तुम लोग ही खेलते रह गई। चलो अभी अब कल से मैं आऊंगी भी नहीं तुम लोगों के साथ खेलने, मुझे तो खेलने ही नहीं देती। अली हम लोग मुंह धो के फिर से आ जाएंगे खेलने, तुम रूठो मत। मुझे सब पता है तुम लोग बस मेरा बेवकूफ बनाते रहते हो, अब चलो नीचे जल्दी। अरे अरे संभल के जाओ, मैं तुमसे पहले चली जाती हूँ। मुन्ना खाट पे लेटे लेटे जोर जोर से हंस रहा होता है। कुहू मुन्ने की आवाज सुनती है। अली ये खाट पे कितना प्याला बच्चा सोया हुआ है, मैं जाती हूँ इसे गोद में उठा लेती हूँ। अली आंटी आंटी देखो अभी गई थी रूट के और बच्चे की आवाज सुन के आ गई हमारे पास। हाँ दीदी कोई बात नहीं, खेल लेने दीजिए मुन्ने के साथ, मैं अभी भी आपसे रुची हुई हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं तो इन आंटी से बात कर रही। आपका क्या नाम है? बेटा मेरा नाम चंदा है और मैं टिंकू को लेकर रोज आऊंगी तुम्हारे घर, तुम अच्छे से खेलना। ठीक है चंदा आंटी आप रोज आना, और आप जिस दिन नहीं आएंगी मैं आपके घर आ जाऊंगी। क्या मैं मुन्ने को गोद में ले सकती हूँ? बेटा आप अभी बहुत छोटी हैं, मुन्ने को गोद में उठाएंगी तो आप गिर जाएंगी। मैं तो बली बच्ची हूँ, मैं तो बहुत सियानी हूँ। कुहू की बात सुनकर तारा और चारू दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।